हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमन स्टडी क्लासेस। लेक्चर नंबर 8 है, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बुक का नाम है टेंसर एनालिसिस और चैप्टर का नाम है रीमान सिंबल, जो कि टेंसर कैलकुलस के अंतर्गत आता है। इसमें आपको बताऊंगा फोर्थ ऑर्डर जो आपका रीमान टेंसर है, जिसको हम कोवेरिएंट में आर एच आई जे के से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो एच आई जे के है ये कोवेरिएंट में है, यानी कि आप इसको सब स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी दिखाना है। इसके पहले मैंने आपको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बताया था इसी में, अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा साइक्लिक प्रॉपर्टी, जो कि इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वाले में आपको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी दिखाया गया था, अब इस वाले में आपको इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बताया जाएगा। तो आप जेके को फिक्स्ड रखिए, यहाँ पे जो पहला स्टेप होगा इसमें जेके को फिक्स्ड रखा जाएगा। एच आई में आपको बताना है, तो एच आई को आप आई एच लिखेंगे और यहाँ पे नेगेटिव साइन लगता है इसके सिमेट्रिक में, बाकी जेके आपका फिक्स्ड रहेगा। तो पहले स्टेप में आपको ये दिखाना है कि क्या आर एच आई जेके इक्वल्स टू है माइनस आर आई एच जेके के। अगर ये दोनों आपस में इक्वल्स होंगे, इसको हम बोलेंगे इसके सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एंड दूसरे में आपको क्या दिखाना है, अब इस बार आप एच आई को फिक्स रखिए और जे के को आप चेंज कीजिए, यानी जे के को आप के जी में चेंज करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा और यही होता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो आपको इसमें शो दैट करके दिखाना पड़ेगा कि क्या आर एच आई जे के इक्वल्स टू है माइनस के आर एच आई के जे के। अगर ये दोनों आपस में इक्वल्स हैं, यानी कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तब हम यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर जो फोर्थ ऑर्डर का रीमान टेंसर है ये इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो मैंने आपको इसका एक्सप्रेशन बताया था आर एच आई जे के का क्या है, ये आपके सामने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और इसी एक्सप्रेशन को मैं इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट लेट कर रहा हूँ। अब इसी के हेल्प से मैं इसके लिए भी एक्सप्रेशन लिखूँगा आर आई एच जे के का। जे के इसमें भी फिक्स्ड है, इसमें भी फिक्स्ड रखेंगे, बस हम जहाँ पे इसमें एच है वहाँ पे हम आई पुट करेंगे और इसमें जहाँ आई है वहाँ पे हम एच पुट करेंगे। तो इसके लिए एक्सप्रेशन यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। इसी को देखते हुए हम इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे। आपको इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। क्या आप चेंज करेंगे, जहाँ इस वाले एक्सप्रेशन में एच है वहाँ पर आपको आई पुट करना है और जहाँ पर आई है वहाँ पर आपको एच पुट करना है। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन के आ जाएगा, लेकिन ये आपका 2 अभी यहाँ पे नहीं होगा, थोड़ा सा आपको एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, क्योंकि आपको आर आई एच जे के को निगेटिव साइन इंटू में आर आई एच जे के दिखाना है, यानी एच आई जे के, इसलिए आप यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन करेंगे। तो जब आप नेगेटिव साइन कॉमन करेंगे तो जो यहाँ पे पॉजिटिव में है वो निगेटिव में आ जाएंगे, जो निगेटिव में है वो पॉजिटिव में आ जाएंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इक्वेशन नंबर 2 में देखिए ये वाला जो टर्म है, यानी सेकंड काइंड क्रिस्टोफेल सिंबल एच के एल इंटू में फर्स्ट काइंड आई जे कामा एल माइनस में सेकंड काइंड क्रिस्टोफेल सिंबल एच जे एल इंटू में फर्स्ट काइंड आई के कामा एल, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद इसके प्लेस पर आपको ले आना है ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसी के इक्वल्स टू हम ले आएंगे। तो इसके प्लेस पे हम जब ये वाला पुट करेंगे तो आपका ये यहाँ पे जो पहला वाला प्रूफ है ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि आपका जो आर एच आई जे के है वो इक्वल्स टू है नेगेटिव आर कोवेरिएंट में आई एच जे के। तो आइए, यहाँ पे मैं पहले के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। इसका यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, किसका है ये, आर आई एच जे के का। यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन कॉमन किया हूँ, तो जो यहाँ पे पॉजिटिव में था वो नेगेटिव में हो गया, जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में, और ये इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 इसको लेट कर लिया गया है। अब इसी में आपका जो ये क्रिस्टोफेल सेकेंड काइंड इंटू फर्स्ट काइंड, इसको यहाँ पर लिखा गया है माइनस लगा कर किसको। अब इसको हम सॉल्व करके यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं और
सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दूं कि मैंने आपको जब क्रिस्टोफर सिंबल्स वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड सिंबल को आप सेकंड काइंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और इसी का यूज हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल आई जे कामा एल है, इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं? इसके प्लेस पे आप लिखेंगे जी एल एम, सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल आई जे एम, और ये वाला एज इट इज लिखा जाएगा एच के एल। अब ये इसका फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो फर्स्ट काइंड आई जे कामा एल है, इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं जी एल एम, सेकेंड काइंड आई जे एल, आई जे एम, एल नहीं। अब इसी तरह से हम आई के कामा एल के लिए भी लिखेंगे, बीच में नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे, और जी एल एम, सेकेंड काइंड आई के एम, और ये वाला सेकंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा एच जे एल। तो ये पहला स्टेप हो गया, आई होप आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, यानी L के प्लेस पे हम M को लिखेंगे और M के प्लेस पे हम L को लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरे स्टेप में यही चीज किया गया है कि L जो है वो M के प्लेस पे लिखा जाएगा और M के प्लेस पे हम L को लिखेंगे। ये वाला ऊपर एक्सप्रेशन है, इसमें हम चेंजेस करेंगे। तो ये हो जाएगा जी एम एल, सेकेंड काइंड आई जे एल, इंटू में सेकेंड काइंड एच के एम, माइनस जी एम एल, सेकेंड काइंड आई के एल, इंटू में सेकेंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल एच जे एम। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि आपका क्या है जी एल एम इज अ सिमेट्रिक, तो जी एल एम को आप लिख सकते हो जी एम एल के प्लेस पे। तो चूंकि यहाँ पे पहले से जी एम एल लिखा है तो इसके प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, बाय दिस प्रॉपर्टी जी एल एम कोवेरिएंट में, इंटू में क्रिस्टोफर सेकेंड काइंड आई जे एल एच के एम माइनस जी एल एम, यहाँ भी हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जी एल एम क्या है, सिमेट्रिक है, तो जी एल एम को हम जी एम एल के प्लेस पे लिख सकते हैं। इंटू में सेकेंड काइंड क्रिस्टोफर सिंबल आई के एल, इंटू में सेकेंड काइंड एच जे एम। अब यहाँ पे देखिए मैंने पहले स्टेप में आपको बताया था कि फर्स्ट काइंड को सेकेंड काइंड फॉर्म में लिखना, अब सेकेंड काइंड को आपको फर्स्ट काइंड में लिखना है, यानी जी एल एम इंटू में सेकेंड काइंड एच के एम के प्लेस पे आप लिखेंगे फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफर सिंबल एच के कामा एल। देखिए ये वाला चैप्टर आपको तभी बढ़िया समझ में आएगा जब आपको क्रिस्टोफर सिंबल्स फर्स्ट काइंड सेकेंड काइंड उसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये सभी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसमें फार्मूला वन, फार्मूला टू, फार्मूला थ्री करके ये भी मैंने आपको बताया था, जिसमें पहला था कि फर्स्ट काइंड को सेकंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे दो तीन फार्मूला आपको वहाँ पे बताया गया था। तो यहाँ पे देखिए जी एल एम इंटू में सेकंड काइंड एच के एम के प्लेस पे आपको लिखना है एच के कामा एल, फिर बीच में माइनस है यहाँ पे माइनस लिखाएंगे, और जी एल एम इंटू में एच जे एम के प्लेस पे होगा एच जे कामा एल। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे मैं आपको समझाता हूँ। तो इसके आगे क्या करेंगे, उसी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देंगे। तो जब जैसे ही मैं उस वाले वैल्यू को इक्वेशन नंबर टू में पुट करूँगा तो आपका जो LHS में R I H J K है वो इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के R H I J K के। और चूँकि आपको पहले वाले में यही दिखाना था तो आप अगर LHS बराबर RHS है, यानी कि R I H J K इक्वल्स टू है माइनस के R H I J K, तो आप कह सकते हैं
यहाँ पे जो फोर्थ ऑर्डर रीमान टेंसर है वो कैसा है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है। चलिए दूसरे के लिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक्सप्रेशन लिखेंगे आर एच आई के जे के लिए, तो ये यहाँ पे एक्सप्रेशन इसका हो जाएगा। इसमें हम नेगेटिव साइन कॉमन करेंगे, जैसे ही नेगेटिव साइन कॉमन करेंगे जो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में आ जाएगा और जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, और ये पूरा वैल्यू किसके इक्वल्स टू है, आर एच आई जे के। तो यहाँ से भी हम दिखा दिए कि यहाँ पे जो आर एच आई के जे है वो इक्वल्स टू है नेगेटिव के आर एच आई जे के। तो दूसरे वाले में भी आपका इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। तो ये था इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा साइक्लिक प्रॉपर्टी इन द फोर्थ ऑर्डर रीमान टेंसर और एच आई जे के में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।